15 अगस्त को सुदर्शन न्यूज ने 30 सेकंड का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत माँ के सिर से मुकुट हटाकर पहना दिया हिजाब। कई लोगों ने इसे शेयर करते हुए दावा किया कि लखनऊ के एक स्कूल में भारत माता के सिर से मुकुट हटाकर नमाज पढ़ाई जा रही है। क्या हो रहा है इस वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए। भाजपा कार्यकर्ता अभिजात मिश्रा ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घटना का संज्ञान लेने का अनुरोध किया। पत्रकार हेमेंद्र त्रिपाठी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि लखनऊ के मालवीय नगर के एक स्कूल में भारत माता का मुकुट हटाकर उन्हें हिजाब पहनाकर नमाज पढ़ाई गई। साथ ही उन्होंने इसे 15 अगस्त के दिन भारत माता के साथ भद्दा मजाक बताया। इसे शेयर करने वालों में सुदर्शन न्यूज से जुड़े जितेंद्र प्रताप सिंह, राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट क्रिएटली मीडिया, भाजपा समर्थक उपेंद्र दीक्षित शामिल है। लेकिन इस वीडियो की असलियत कुछ और ही है। असल में वायरल वीडियो अधूरा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के ट्विटर अकाउंट पर हमें इस मामले से जुड़ा एक बयान मिला। इस बयान में सोशल मीडिया के दावों का खंडन करते हुए लिखा गया है कि स्कूल के बच्चों ने एक नाटक का मंचन किया था, जिसमें बच्चों द्वारा धर्म के नाम पर झगड़ा, फसाद ना करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया गया था। लखनऊ पुलिस ने वायरल वीडियो का ये बड़ा हिस्सा भी ट्वीट किया, जिसमें स्कूल के बच्चे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्मों की अलग अलग पद्धति से भारत माँ की पूजा का मंचन कर रहे थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार अरविंद चौहान ने शिशु भारती विद्यालय की टीचर प्रगति का बयान ट्वीट किया। इसी टीचर ने ये नाटक कोरियोग्राफ किया था। सर, मैं प्रगति निगम, मैं शिशु भारती विद्यालय की एक अध्यापिका हूँ। जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये वीडियो बिल्कुल गलत है। मेरा पूरा वीडियो आप देखिए, मैंने चार धर्मों को मिलाने के लिए प्ले करवाया था। ये नहीं था कि मैं किसी की दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाऊं। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। प्लीज़ सभी से मेरी विनती है कि आप सब लोग इसका पूरा वीडियो देखिए और तब आप लोग बताइए कि मैं कहां पर इसमें गलत हूं या मैंने किसी के धर्म की को मतलब कि नुकसान पहुंचाया है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। भारत माँ के हम चार सपूत हैं और आज भी हैं, अनादिकाल तक रहेंगे। हमारे हम सब लोग एक साथ मिल करके यहाँ पर रहते हैं और एक साथ सारे धर्मों के त्योहारों को मनाते हैं। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम किसी की भावना को आहत पहुंचाएं। और ये वीडियो कटा हुआ है, आप पूरा वीडियो देखिए, तब आप जिसने भी ये ट्विटर पे ये ट्वीट किया है, मैं उनसे तो बहुत ही नाराज़ हूँ, क्योंकि वो खुद ये चाहते हैं कि शायद वो किसी अदर कास्ट के होंगे या अदर धर्म के होंगे और हमारे विद्यालयों को हानि पहुँचाना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इसका फुल वीडियो देखिए और तब आप इस पर अपने अपने विचार प्रकट करिए। इस मुद्दे पर डीसीपी वेस्ट लखनऊ ने भी बयान देकर वायरल दावों का खंडन किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें सर से भारत माता का मुकुट हटाकर नमाज पढ़ाना बताया गया है। उस वीडियो के संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि उक्त वीडियो शिशु भारती विद्यालय मालवीय नगर थाना बाजार कला का है। इस संबंध में जो स्कूल के प्रबंधक से बात किया गया है और वहां संपूर्ण वीडियो देखा गया तो यह तक पाया गया कि स्कूल के बच्चों द्वारा एक नाटक के मंचन किया गया था, जिसमें बच्चों द्वारा धर्म के नाम पर झगड़ा फसाद न करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया गया है। ट्वीटकर्ता द्वारा आधे अधूरा हिस्से को ट्वीट करके भ्रम फैलाने का कार्य किया गया है, उनको चिन्हित करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमने स्कूल की टीचर प्रगति निगम से बात की। उन्होंने हमें बताया कि नाटक में चारों धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई का भाग है। उन्होंने हमें पूरे नाटक के दो हिस्से भेजे, साथ ही उन्होंने हमें वो वीडियो भी भेजा जिसकी नकल स्कूल के बच्चों ने अपने नाटक में की थी। इस नाटक में दिखाया गया है कि कैसे धार्मिक झगड़ों की वजह से अंग्रेजों ने देश पर शासन किया, लेकिन महात्मा गांधी ने सभी धर्मों को साथ लाया। इसके बाद अंग्रेजों से भारत को आजादी मिली।
हे मां, मां ये तेरा हाल किसने कर दिया? हमारा तो धर्म ही नष्ट कर दिया इन लोगों ने। मुझे माफ कर दो मां, मैं तेरी रक्षा न कर पाया, पर अब करूंगा। कोई हाथ न लगाए जिंदा न जला दूंगा। या कुंडा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे धर्म के खिलाफ है। छोड़ो, दूर हटो। वो खतिया से कुछ मिलाकर सुदर्शन न्यूज समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स ने स्कूल में छोटे बच्चों द्वारा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के नाटक का अधूरा वीडियो सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर किया।